मैं विनय कुमार सिंह, नेतु ऑर्गेनिक स्वदेश स्टोर का संचालक। आज मेरा जो आगमन हुआ है ये ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे रघुवर शर्मा जी और ये विनोद शर्मा जी हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से जैविक खाद बना रहे हैं, और इनका जो ये काम है सराहनीय है। और जैसे ही मुझे पता लगा, आज मेरा यहाँ आगमन हुआ है, और इस गाँव में जो इस गाँव का नाम इन्होंने बताया था मुझे, बंदवारी गाँव बताया है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा में आता है, जिला गुड़गांव है, तो बंदवाड़ी गांव है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मैं आया हूँ आज यहाँ पे, वहाँ से ये 10 किलोमीटर की दूरी है, और वहाँ से आप इको वैन या कोई बस, 519 बस नंबर है, इस तरह से आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। आइए आप, आपको ऐसे दो शख्स से मिलवाते हैं जो जैविक खाद मुश्किल से आप ये कह लीजिए 15-16 महीने हो चुके हैं उनको बनाए हुए, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है और मुझसे रहा नहीं गया। आज मेरा यहाँ आगमन हुआ है तो आज उनसे आपकी मुलाकात सामने बैठे हैं, आज इनसे हम बात करेंगे जैविक खाद पे जो इन्होंने रुख किया है। मात्र 14-15 महीने ही हुए हैं इधर जो जैविक खाद पे काम किया जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। रघुवर जी, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मेरा गाँव है बंदवाड़ी। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। मेरे गाँव में आने के लिए 4 रास्ते हैं, दिल्ली से छतरपुर मेट्रो स्टेशन, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोना, चारों तरफ से हमारे गांव में आने का बहुत अच्छा रास्ता है। लॉकडाउन के बीच में बेटा ने बोला कुछ काम करते हैं, तो लॉकडाउन में हमने ये काम शुरू कर दिया। 1983 ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि जैविक खाद पे बहुत लोग भारत देश में काम कर रहे हैं, और उसमें एक मुख्य अदा रोल जो कर रहे हैं वो हमारे सामने जो विनोद भाई बैठे हैं, आज इनसे हम बात करेंगे जैविक खाद के बारे में। विनोद जी, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं आपका सबसे पहले ये जो अर्थ सेवियर ऑर्गेनिक के नाम से जो ब्रांड आपने रखा है, ये नाम रखा है, क्योंकि जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में जहन में आता है कि हम उसका नाम क्या रखें, क्या रखें, तो वो नाम आपके दिमाग में कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं विनय जी आपका अपने फार्म पे स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद, आपका हमारे यहाँ पर आने बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो जैसा कि आपने पूछा है कि हाँ भी इसका नाम आपने अर्थ सेवी ऑर्गेनिक किस लिए रखा, सीधी सी बात है, हम धरती को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके कई माध्यम होते हैं। तो मेरा एक माध्यम ये है कि आज के टाइम क्या है कि रासायनिक बहुत हो चुका है, जहाँ भी देखोगे लोग क्या करते हैं, DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट लाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा रोल है धरती माँ को बचाने के लिए। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रासायनिक को कैसे रिप्लेस करें, तो अर्थ माने धरती, सेवियर माने बचाना, तो हम ऑर्गेनिक तरह से हम धरती माता को बचा रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब अर्थ सेवियर ऑर्गेनिक, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था। जैसे कि मेरे फादर साहब ने आपको बताया कि हमारी ज़मीन है खाली पड़ी थी, तो 3 एकड़ का फार्म है आपका। हाँ जी, ये सर ये अपना पूरा, जैसे आप देख सकते हैं पीछे भी, ये अपना पूरा ही है, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने यहाँ पे जैविक गेहूँ भी आप कर रहे हैं। जी सर, हम इसमें जैविक तरीके से हम गेहूँ लगाते हैं यहाँ पे, वो अपने घर के लिए, आप परिवार के लिए, परिवार के लिए, हाँ परिवार के लिए करते हैं, जैविक गेहूँ उगाया जा रहा है। जी हम इसको कुछ सेल नहीं करते, खाली जैविक खाद करते हैं, जैविक खाद ही इसमें हम अपना यूज करते हैं, फिर हम अपने लिए घर की सब्जियां वगैरह भी सब यहीं क्या खाते हैं। बहुत अच्छा, तो हमने सर सब्जियां लगा रखी है, और मतलब मार्केट से आपको अनाज और ये सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं पड़ती सर। हमारी 80-85% जितनी हमारी जो सब्जी होती है वो हम यहाँ से लेके जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे अपने, जैसे बताता हूँ, पेठा हो गया, तोरई हो गई, या फिर अपना घिया हो गई, या धनिया हो गया, या फिर आप देख सकते हो चना हो गया, सब हमने अपने घर के लायक लगा रखा है। तो इसमें हमारा मोटिवेशन ये नहीं है कि सब्जी बेचनी, हमारा एक ही मोटिवेशन है कि अपना एक स्वस्थ से भोजन हमें मिल जाएगी, और स्वस्थ भोजन आपको मिलेगा कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कोई प्रोडक्ट उसमें यूज़ करोगे। इसी बीच में ये बोलना चाहता हूँ कि व्यापार सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन क्या अपने निजी जीवन में हम लोग केमिकल खाते रहें और यहाँ हम जैविक खाद बनाएं, तो वो तरीका सही है क्या? लेकिन विनोद जी ने थोड़ा हट के हैं, वो अलग है औरों से, उन्होंने अपने घर में जैविक फल फ्रूट सब्जियों का, ये पीछे इनके फार्म पे उगाया जा रहा है जैविक तरीके से, जैविक खाद से,
और जैविक गेहूं भी उगाया जा रहा है, वही इनके घर में सारा इस्तेमाल हो रहा है। और जो जैविक खाद की बात आती है तो ये नर्सरी में किसान को, किसान भाइयों को और ऐसे बहुत जगह पे ये लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यापार तक सीमित आपका जैविक है और पर्सनल लाइफ में, निजी लाइफ में आप केमिकल खा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये विनोद जी को मैं नमन करता हूँ क्योंकि वो भारत की सभ्यता संस्कृति को, गौ माता को, इस धरती माता को बचाने का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे उनसे जुड़ते हैं, मैं उनसे यही पूछूंगा कि जो इनका 3 एकड़ का ये फार्म है जिस पे ये जैविक खाद बनाया जा रहा है इनको, तो इसमें कुछ वो शुरुआत उनकी कैसे हुई और इसमें उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कम लागत में अच्छा कमाना ये कोई सीखे तो विनोद भाई से सीखे। आइए सीखते हैं। विनोद भाई बताइए, थोड़ी आवाज तेज रखिएगा। देखो जी, हमने जो अपना काम शुरू किया था, सबसे पहले हमने शुरू किया था ये अपना 30 बेड के साथ, यानी कि आज हमारे पास आप देख सकते हो 100 से ज्यादा बेड है। अच्छा जी, तो हमारे जो एवरेज जो बेड है उनकी जो लंबाई है 30 फीट है। 30 फीट है लंबाई? 30 फीट लंबाई। और चौड़ाई? चौड़ाई इसकी होती है सर, इसकी 4 फीट चौड़ाई होती है। 4 फीट चौड़ाई और 30 फीट लंबाई? 30 फीट लंबाई। और ऊंचाई भी होती है? ऊंचाई इसकी बिल्कुल होती है, ऊंचाई होती है इसकी सीजन के हिसाब से, यानी कि जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है तो हम बेड को ज्यादा ऊंचा नहीं बना सकते, तो उसका हम ऊंचाई रखते हैं 15 इंच तक। 15 इंच मतलब लगभग आप 1 फुट के ऊपर थोड़ा सा मान लीजिए, 3 इंच जी। और फिर हम अगर जो हम यही चीज हम बनाते हैं सर्दियों में, तो सर्दियों में हम इसके रखते हैं 2 फीट तक रखते हैं, क्योंकि वो ठंड का माहौल हो जाता है, तो बारिश के माहौल में तो हो ही नहीं पा रहा होगा ये कार्य। नहीं, ये 2 महीने के लिए, देखो जो बारिश से पहले आपने जो बेड बना दिए हैं बना दिए, तो आप में बारिश में कभी बेड मत बनाना, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें एक तो आपका गोबर सही मेंटेन नहीं हो पाता, और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि केंचुए जो आपके, जैसे आप ज़्यादा डालोगे तो वो मरने की संभावना बहुत हो जाती है, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाता है। ये हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, हमने भी अपना नुकसान उठाया बारिश के टाइम में। तो हम, मैं हमेशा किसी भी भाई से यही बोलूंगा कि या तो एक काम शुरू करे बारिश से पहले या फिर बारिश के बाद में। बारिश से बाद, हाँ। बारिश में ना करें तो इनको, उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। अगर जो आपको कोई सपोज करो आपको बेड तैयार करना है तो उसको भी आप बारिश से पहले तैयार कर लो, उसमें बारिश से पहले तैयार करके उसमें पराली वराली ढक के तैयार कर लो। अगर जो बारिश के टाइम में करना शुरू करोगे सबसे पहले तो आपके बेड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने शाम सुबह बेड बनाए और शाम को बारिश पड़ेगी आपका जो बेड बनाया वो सारा खुल जाएगा। आपने उसमें केंचुए डाले, केंचुए डालोगे तो होता क्या है कि जैसे पराली ऊपर नहीं होगी तो केंचुए बह जाएंगे, वो आप एक नुकसान है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि बेड जो बने अपने बारिश से पहले या उसके बाद। हमने 30 बेड से शुरू किया था, और जब भी मैंने काम शुरू किया था तो ना तो मेरे पास कोई मैन पावर था, यानी कोई लेबर नहीं थी, मैंने खुद में उसको मेंटेन किया है। मतलब मैं खुद इसमें गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में मैंने इसमें खुद ने अपने आप से इसने फावड़े चलाए हैं, इसके अंदर कुरेद लगाई है, जो सारी प्रक्रिया मैंने खुद ने की है। इवन गर्मी में भी मैंने खुद ने किया है और सर्दी में मैंने खुद ने किया है। तो अब धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, काम धीरे धीरे ही बढ़ता है, और आज मेरे पास एक अच्छा खासा हमारा स्टाफ है। कितने स्टाफ हैं आपके यहाँ पे? 3 लोगों का स्टाफ है हमारे पास यहाँ पे। 3 लोगों का? जी हाँ, 3 लोगों का स्टाफ है। और ये भी मैं एक तरह से मैं आपको बताऊंगा, ये भी जब आपका बिजनेस बढ़ता है तभी आप एक मजदूर रख पाते हो जी। तो आज हमारे पास इसी वर्मी कंपोस्ट एक इतना सोर्स हो चुका है कि हम 3 लोगों का स्टाफ रखे हुए हैं और अपना घर का काम भी चला रहे हैं और धीरे धीरे अपनी यूनिट को भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट हो रहा है। मेरी बातचीत हो रही है, वो जैविक खाद पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 3 एकड़ का फार्म है और आधा एकड़ में इनका ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। आइए बात करते हैं। विनोद जी, मुझे ये सवाल है कि जब आपने शुरुआत किया था तो आपका जो ये बेड जैविक खाद का काम हुआ था, अभी आपने बेड भी बनाया है, 100 के ऊपर हो गया है, तो शुरुआत कितने बेड से हुआ था आपका? जी देखो सर, आप काम शुरू करना चाहने को तो मैं 100 बेड से शुरू कर देता था, कर सकता था, बट उसके कई कारण थे। मेरे हिसाब से आप अगर जो 30 बेड से काम शुरू करोगे वो एक रीज़नेबल चॉइस है, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। सबसे पहले तो आप गलती सीख सकते हो, दूसरा आप अपनी मार्केटिंग बना सकते हो। सपोज़ करो आपने जैसे 30 बेड से शुरू किया, जो एक बेड है उसका जो एवरेज जो साइज होता है वो 30 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 15 से 18 इंच ऊँचा होता है।
तो उसके सब में मानो आपको कम से कम 1500 किलो गोबर डालना पड़ेगा, 1500 किलो किलो गोबर डालना पड़ेगा, यानी कि 100 फुट वाली एक ट्रॉली। तो होता क्या है कि आपको इसका 40% मिलता है, 40% मतलब कि 1500 किलो का आपको 40% लगा लो, आपको करीबन 600 किलो खाद मिलेगी आपको, ठीक है सर। तो 600 किलो इंटू आपके पास 30 बेड है, तो आपको करीबन करीबन 12 टन के आसपास खाद मिल गई। तो 12 टन जो आपकी खाद मिली है, आपको इतनी हड़बड़ाहट नहीं होगी इसको बेचने में, तो आप उसको किस्तों में निकाल लो। 12000 किलो, जी 12000 किलो खाद मिलेगी आपको। तो उसमें क्या है कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, भाई मेरा माल ही नहीं बिक रहा। तो होता क्या है, जब हम बड़े स्तर पर चालू करते हैं तो हमारी जो खाद है वो भी टनों में निकलती है, यानी कि 30 बेड मिलेगी आपको 12 टन और 100 बेड मिलेगी आपको करीबन करीबन 40-50 टन। तो 50 टन माल जब आपका इकट्ठा होगा तो आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे, अरे यार मेरा माल नहीं बिक रहा, मेरा तो नुकसान हो गया। तो उस टाइम क्या होता है, जो बड़े बायर होते हैं तो वो क्या इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो आपसे बोलते हैं 4 रुपये में, 5 रुपये में मुझे दे दो इसको। जब हम मरता क्या नहीं करते, तो उसमें हम क्या करते हैं कि चलो भाई दे दियो उसको। तो इसलिए मेरा जो मेन कारण ये था कि मैंने मिनिमम से शुरू किया है, और साथ के साथ मेरी मार्केटिंग भी चल रही है, जितना मैं प्रोडक्शन करता हूँ मेरा माल निकलता जा रहा है। तो 30 बेड के हिसाब से मुझे जो माल मिला तो मैंने बेच दिया, आज मेरे पास 100 बेड से ऊपर है, तो 100 बेड से ऊपर का माल बेच रहा हूँ। तो मुझे किसी के पास नहीं कहते नहीं है कि भाई बाय बैक वाला सीन में ना तो मैं इसमें मैं जाता हूँ ना मैं किसी पे ऊपर डिपेंड हूँ। मैंने खुद अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केटिंग करी है और मैं उसी हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज मेरे पास 100 बेड है और मैं 100 बेड का माल बेचने में सक्षम हूँ। तो धीरे धीरे चलो, कहते नहीं है कि पहले अपना एक पैर डालो पानी के अंदर, उससे आप अंदाज़ा लगाओ कि गहराई कितनी है, जब आपको गहराई पता चल जाए तो अपना दूसरा पैर निकाल दो, अदरवाइज़ आप अपना पहला पैर निकालो। तो मैंने जब अपना पहला पैर डाला तो मैंने 30 बेड से डाला और आज मेरे पास 100 से ऊपर ज़्यादा बेड है, और भगवान का आशीर्वाद रहा, गौ माता का आशीर्वाद रहा, तो 100 से 200 और 200 से 250 होंगे। जैसे मेरे फादर ने बताया कि शुरू में मैंने यूज़ के तौर पर, ट्रायल के तौर पर यहाँ पर मैंने शुरू किया था, और जैसे मेरा काम बढ़ रहा है तो हम धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे। तो काम अच्छा रहा, भाइयों का आशीर्वाद रहा, किसानों का आशीर्वाद रहा, तो मेरा काम धीरे धीरे मैं पूरा ही यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाने का ये मेरा सपना जी। इसी बीच में आप ये भी बता दीजिए कि जो आपके यहाँ पे ये गोबर है वो कौन सी गौशाला से आता है और कितना आता है, और वो देसी गौ माता का ही गोबर होता है, इस पर थोड़ा आप बता दीजिए। सर देखो, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मैं जो गोबर यूज़ करता हूं, मैं गोबर यूज़ करता हूं गौशाला का, और हमारी जो गौशाला है उसका नाम है बाबा मोहन राम गौशाला है, और ये हमारे एक निकटतम जगह है जिसका नाम वज़ीराबाद। वज़ीराबाद, जी हाँ, ये वज़ीराबाद में है, बाबा मोहन राम गौशाला से है। वहाँ सारी देसी गाय, वहाँ से सारी देसी गाय, वहाँ पर 400 से ज़्यादा गाय हैं और सारी ही देसी गाय हैं, और उन गायों से जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे फादर ने बताया कि हम गुड़गांव के अंदर हैं, गुड़गांव एक बहुत कमर्शियल जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि हर जगह से हम गोबर नहीं उठा सकते, वो एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ जाता है। अगर जो हम इकट्ठा जाते हैं गौशाला में, अपने बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिसकी ट्रक की जो बॉडी होती है 700 से 800 फीट की होती है, उसके अंदर हम JCP लेके जाते हैं, तो JCP ट्रक और गौशाला का गोबर, और देसी गौशाला का गोबर है हमारा, हम उसको यूज़ करते हैं। जी, मेरी बहुत देर से बात हो रही है, जैविक खाद वो बनाते हैं, अब ये बेड है और इसका जो नाप होता है वो उन्हें बताया है उनके यहाँ पे क्या होता है, 30 फुट लंबा है, 4 फुट चौड़ा है, और मौसम के हिसाब से 15 से 18 इंच की ऊंचाई होती है। बिल्कुल ठीक है, तो विनोद जी आप इस पे थोड़ा सा और जुड़ के मुझे बताइए इसके बारे में। देखो सर, ऐसा है, इसको करने के कई तरीके होते हैं, मैं उन भैया के लिए बताऊंगा कि जो भी भाई इस काम को शुरू करना चाहते हैं, देखो धंधा वो करो जिसमें आपकी कम लागत आए और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले। करने को तो बहुत लोग हैं, इस पे चारों तरफ ईंटें लगाते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर अपनी छोटी सी मतलब छतरी बनाते हैं, अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया बात है, वो सोने पे सुहागा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी काम करें उसमें लागत कम कैसे हो, उसका एक हमने एक तरीका निकाला है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, हम जब अपने बेड बनाते हैं तो बेड बनाते हैं तो उसमें हम ईंटे नहीं लगाते, ईंटे की जगह हम डॉल बना देते हैं, वो दिखाएंगे डॉल, डॉली डॉली हल्की सी हम डॉल बना देते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये हमने डॉल बना रखी है यहाँ पे, अच्छा ये डॉल हो गई, अच्छा अच्छा है ना, ये डॉली बोलते हैं हम इसको, और इसके ऊपर हमने बिछा दी है
ये ब्लैक शीट बिछाई हुई है। हाँ, इसको बोलते हैं हम 1/18 की ब्लैक शीट बोलते हैं। 1/18 की, जी हाँ। तो इसको बिछाने के दो कारण होते हैं। सबसे पहले जब हम पानी डालते हैं तो पानी जो इसका जो पानी है वो नीचे रिसके नहीं जाएगा, दूसरा जमीन में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो खाद में ही खाद रह जाएगा पानी, और खाद में रहेगा तो ये आपका गोबर जो है ठंडा रहेगा और केचुआ मरेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, केचुआ जो होता है, केचुए के ना तो आंख होती है ना केचुए की नाक होती है, बड़ा सेंसिबल एक जीव होता है। तो ये क्या है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, तो ये फील जैसे करता है। जब जैसे नीचे गया तो वहाँ उसने देखा कि नीचे पन्नी है तो ऊपर चला गया। होता क्या है, जो नीचे सीट नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी जो केचुआ जमीन के अंदर जाने का एक रिस्क रहता है। तो इसलिए हमने लगाते हैं, डॉल लगा दी, फिर पन्नी बिछा दी। पन्नी बिछाने के बाद हम फिर पहले, सबसे पहले क्या होता है, हम गोबर की ना बदबू और गैस निकालते हैं। इसमें जो गोबर है, हम गोबर यूज़ करते हैं 15 से लेके 20, 30, 40 दिन तक पुराना गोबर हम यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ताज़ा गोबर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ताज़ा गोबर यूज़ करोगे तो उसके अंदर क्या, वो लिक्विड बहुत होता है, लिक्विड ज़्यादा तरल होता है। तो आप जैसे उसके अंदर उसकी बदबू निकालने के लिए आप उसमें पानी मारोगे तो बह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 20 दिन पुराना हम 15 दिन पुराना यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़ा सख्त हो जाए। जैसे कि आप वहाँ देख सकते हो हमारा एक ढेरा लगा हुआ है, उधर दिखा सकते हैं वीडियो में आप, वहाँ पे ढेरा लगा हुआ है। तो हम अभी उसकी बदबू खत्म कर रहे हैं, उसको धरे हुए कम से कम 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है। तो हाँ जी, तो 10-15 दिन पुराना पहले, 1 हफ्ता हम, और उसके बाद हम इसमें बेड बनाना शुरू करते हैं। तो जब 20 दिन तक आपका गोबर इस तरह से पड़ा रहेगा जी, तो एक तो उसकी बदबू चली जाएगी, पानी मारते रहते हैं, ठंडा भी रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, हाँ जी, और वो सख्त हो जाएगा। तो जैसे पानी मार रहे हैं आगे बेड बनाएंगे तो वो बहेगा नहीं। बिल्कुल। इसी बीच में एक और सवाल है, जो लोग ये ईंट लगाते हैं, जो कि आप डोल मतलब कि आप ऊंचाई कर देते हैं थोड़ा सा, तो उसको डोल बोला जाता है, साइड से ऊंचाई करना, उसको ये डोल बोलते हैं, डोली बोलते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं ये बार बार समझा रहा हूँ वीडियो में। ये जो ईंट लगाते हैं वो भी वही मकसद है कि पानी बाहर ना आए। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम ईंट इसलिए लगाते हैं ताकि जो केचुआ है बाहर ना निकले। मैं कहता हूँ कि केचुआ एक ही सीजन में बाहर निकलता है, वो होता है बारिश का, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो बाहर निकलता है। तो उसकी मैं ये कहूँगा कि उसमें आप ईंट क्या, आप छोटा सा इसके लिए ईंटों का मकान बना दो, उससे भी निकल जाएगा। थोड़ा सा बेड आप दिखा भी दीजिए वीडियो में। ये आपका, सर ये हमारा बेड है, जो भी हमने भी कल परसों ही बना के तैयार किए हुए। अच्छा जी सर, तो आप देखो कहीं भी कोई भी केचुआ नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, काम करो मिनिमम बजट के साथ। मतलब आप आज के टाइम में एक ईंट की वैल्यू 4 से 5 रुपए है। तो हमारा जो 2-9 फीट लंबा होता है और 30 फीट, तो इसके अंदर आपको करीबन 144 ईंटें चाहिएंगी। 144 जी हाँ। तो 144 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 रुपए से, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हमारा करना क्या है, हमें कॉस्टिंग कम करनी है, कम कॉस्टिंग में हमें काम करना है। तो ईंट की जगह डॉल लगा दो। उसके बाद देखो, वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने खेत से ली और खेत में डाल दी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। खेत से पराली कहाँ से आती है, खेतों से आती है। गोबर कहाँ से आता है, गाय से। गाय कहाँ खाती है, खेतों से। तो खेतों का एक पार्ट गाय भी होगी, गाय से गोबर आया वो डाला। केचुआ कहाँ का प्राणी है, खेतों का, जमीन के अंदर रहता है वो। ठीक है, पराली होगी, गोबर हो गया, सब कुछ खेतों का हो गया। रही बात प्लास्टिक की, जब हम कमर्शियल लेवल पे कोई काम करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर जो किसान भाई अपने घर के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं ब्लैक शीट लगाने की, क्योंकि उसको मार्केट में माल ही देना है। अगर जो खाद रिसेगी तो वो भी उसके खेत में जाएगी। तो ब्लैक शीट के अलावा जितना भी सारा प्रोडक्ट है सारा खेतों का है, खेतों से आया, खेतों में डाला। तो जैसे ये बेड हमारा है 30 फीट लंबा हो गया, 4 फीट चौड़ा हो गया। जैसे मैंने आपको बताया सर्दियों में इसकी हम हाइट बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारी 2 फीट के आसपास हमने इसकी हाइट रखी हुई है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोग देखते भी हैं जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक का वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, आपने सुना होगा एक केचुआ का नाम आइसिनिया फेटिडा, फिर से नाम मैं दोहराता हूँ आइसिनिया फेटिडा, यही इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट में। ये आइसिनिया फेटिडा के बारे में जानकारी तो बहुत लोगों के पास है,
लेकिन विनोद भाई के पास कितनी जानकारी है, आइए उनसे ही पूछ लेते हैं। विनोद भाई बताइए। जी सर, इसको बैट को बनाने के लिए वैसे तो कहते हैं हम कैचू की 1500 से ज़्यादा प्रजाति होती है, बट जो सबसे इसकी विशेष जो प्रजाति होती है हम उसको बोलते हैं आइसिना फेटिडा। आइसिना फेटिडा की पहचान क्या होती है, ये रेड कलर का होता है। रेड कलर का? जी हाँ, रेड कलर का होता है और इसकी 6 इंच के आसपास की लंबाई होती है। तो ये तो सबसे पहले इसकी निशानी होती है। अब हम आइसिना फेटिडा क्यों यूज़ करते हैं? आइसिना फेटिडा एक ऐसा कैचुआ है जो कि डीकम्पोस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है, मतलब कि ये खाद बनाने के लिए सबसे हाँ, बढ़िया जी, जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो होता क्या है कि आइसिना फेटिडा का हम ये बोलते हैं, ये लोहे को और प्लास्टिक को पत्थर को छोड़ के सब कुछ खा लेता है। यानी कि आप इसको पराली, ये जो पराली है ना हमारी, ये भी इसके अंदर एक समय पे आके गल जाती है, उसको भी कैचुआ खा लेता है। आपका सब्जी का कोई वेस्ट हो, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिसके पास किचन वेस्ट होता है, वो उसको उसके लिए कैचुए लेके जाते हैं। या फिर कुछ लोग हम भी करते हैं, जो हमारे इतने सारे आप पेड़ देखे हैं, तो हम जो पेड़ों की पत्तियाँ होती है वो हम उसमें गोबर के साथ मिला देते हैं, वो भी खा जाता है। तो आइसिना फेटिडा बहुत बढ़िया होता है। इसका क्या होता है, इसका जो प्रोडक्शन का जो टाइम है, जब ये अंडे देता है, इसको अंडों को कोकून बोलते हैं, कोकून हाँ जी, वो देता है आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि सर्दी के टाइम में। सर्दी के टाइम में होता क्या है कि ये प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, खाद कम बनाता है। जैसे गर्मियों में ये अपनी बॉडी का 1.5 गुना ज़्यादा खाता है, और सर्दियों के अंदर क्या है कि 1 गुना खाता है पर 1 गुना खाता है। इस दौरान क्या होता है, अंडे बहुत देता है। तो अंडों में से केचुआ कितने दिन में बाहर निकलता है? जी जी, मैं बताता हूँ आपको। होता क्या कि जो इसके कोकून्स होते हैं वो 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन के बाद इसकी हैचिंग शुरू हो जाती है, यानी कि बनने शुरू हो जाते हैं। वो टाइम इसका 17 दिन का होता है। तो 15 दिन बाद अंडे बन गए, 17 दिन बाद आपका वो निकल गया, और 40 दिन में अडल्ट हो जाता है, यानी कि अपनी फैमिली बनाना शुरू कर देता है। कैचुआ जो होता है वो समलैंगिक होता है, यू कैन से बीसेक्सुअल इन इंग्लिश। तो एक ऐसा प्राणी है, तो इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर होता है। तो ये प्रकृति का एक मित्र है और किसान भाई का दोस्त है, ये हम कह सकते हैं। इसके फायदे नुकसान कुछ नहीं है। तो ये आइसिना फेटिडा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे होते हैं आइसिना फेटिडा, कैसे हम इसको एक बेड से दूसरे बेड में ट्रांसफर करते हैं।